हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी यारे गार बारगाहे नबुव्वत से सदीक का लकब मिला। खलीफा अव्वल इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला रखा। अबू बकर कुनियत है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का एजाज हासिल है। आपकी मुद्दत खिलाफत 2 वर्ष 6 माह और 10 दिन है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ अहम बातें बताई हैं। वो अमल जो बगैर इल्म के हुआ इसे बीमार जानो और वो इल्म जो बगैर अमल के हुआ इसे बेकार जानो। इल्म पैगंबरों की मीरास है और माल कफार फिरौन और कारून की मीरास है। याद रखो जिहाद को तर्क ना करना। जब कोई कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह तर्क कर देती है तो वो जलील हो जाती है। सब्र में कोई मुसीबत नहीं और रोने में कुछ फायदा नहीं। वो लोग बेहतर नहीं हैं जो आखरत के लिए दुनिया को तर्क कर देते हैं, बल्कि बेहतर वो है जो दुनिया और आखरत दोनों का हक अदा करते हैं। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाएगा मगर इसका गुनाह ना मरेगा, यानी वो कोई ऐसा बुरा काम शुरू कर जाएगा जो इसके मरने के बाद भी जारी रहेगा। बुरों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से सालहीन की सोहबत बेहतर है। हकीकी सखावत यह है कि मखलूक खुदा को तकलीफ से बचाने के लिए खुद वो तकलीफ उठा लो। जबान को शिकवाए शिकायत से महफूज रखो, राहत नसीब होगी। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह इसके कामों में लग जाता है। इबादत एक पेशा है, इसकी दुकान खलवत, रसल माल तकवा और नफा जन्नत है। आजिज़ तरीन शख्स वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। माँ बाप की रजामंदी दुनिया में मौजबे दौलत और आखरत में बायस नजात है। कुफार के साथ जहाद जहादे असगर है, जहादे अकबर अपने नफ से जहाद है। ईमान को जहाद, रोजे को सदका फितर, हज को फिदिया और नमाज को सजदा पूरा करता है। शरीफ आदमी दौलत इल्म पाकर मतवाजे हो जाता है, लेकिन कमीना शख्स इल्म हासिल करके मुतकब्बर बन जाता है। इस दिन पर आंसू बहाओ जो तुमने बगैर नेकी के गुजार दिया। हर शय के सवाब का अंदाजा है मगर सब्र के सवाब का अंदाजा नहीं। आंख दिल का दरवाजा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम आफात इसी राह से बदन में दाखिल होती हैं। चोरी और ख्यानत से बचो, ये अफलास पैदा करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे 4 चीजें मुयस्सर आ गईं इसे दुनिया और आखरत की भलाई हासिल हो गई। शुक्रगुजार दिल, खुदा को याद करने वाली जुबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, ऐसी बीवी जो अपनी जान और शोहर के माल में ख्यानत नहीं करती।